फाइल में आपके प्रोग्राम के हवाले से, तो वो उन प्रोग्राम्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को आपको जो मेथड, ये पहले वाले हमने बात की है पेयरिंग री इन्फोर्समेंट और उसका अटेंशन लेके उसको इंस्ट्रक्शन देना, सब प्रोसेस वही। अब जब हम बच्चे को ये काम करवाते हैं, एक नए बच्चे के साथ शुरू करते हैं, जब आप फाइल लेके बैठते हैं प्रोग्राम रन करना चाहते हैं, तो स्टार्ट में उसके वही फेजेस होंगे, बिहेवियर्स उसके होंगे, उसके जो अटेंशन डेफिसिट होगा, कोई इस तरह की हाइपर एक्टिविटी होगी, वो सारी चीज़ें उस तरह ही होंगी। उसके लिए आपको उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होता है कि वो उस लेवल पे आए जहाँ पे कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। वो पहले दो चार दिन के अंदर आप वो पेस उसका बना लेते हैं। अब जब वो पेस बन जाता है, तो अब आप देखेंगे ये जो गोल्स हम हमारे हैं, आज मैं इसको बुलाना चाह रहा हूँ हुज़ैफ़ा को, अब्दुल्ला को याद करें, अब्दुल्ला सईद जिसको हमने लिया था यहाँ पे 5 days, राफे को याद करें, फ़ायज़ा को याद करें, ये सारे सेशन जितने हमने लिए थे, उसका अगर ये प्रोग्राम हो इमिटेट ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स। ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स क्या होती हैं? हमारी बड़ी हरकत, इसकी इमिटेशन कहते हैं कॉपी करना। अब मैं उसको कहूँ ऐसे करो, तो वो मुझे अटेंटिव है, देख रहा है बच्चा, अब वो ऐसे कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ये मास्टर हो जाएगा। अगर ना करे ऐसे जैसे मैंने कहा है, तो अब उस सूरत में क्या होगा, मैं उसको क्या करूँगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, मैं कहूँगा ऐसे करो, साथ ही मैं उसको भी पकड़ के ऐसे कराऊँगा, फिर उसको नीचे को वेरी गुड शाबाश भी फूट कर दूँगा साथ उसको। तो दिस ड्रिल विल बी कंटिन्यूड जब तक कि वो खुद मेरे मुझे देख के उस तरह खुद ना करें। अगर मैं उसको इमिटेशन के प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वाले कॉलम में लिखा हुआ डू दिस, ऐसे करो, अगर मैं उसको ये कह दूँ हाथ इधर लाओ, या मैं उसको ऐसे कहता हूँ ऐसे करो, अब मैं साथ कहता हूँ क्लैप योर हैंड्स, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम डिफरेंट है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग का, ये प्रोग्राम है इमिटेशन का, उसने देखना है व्हाट अदर वन इज डूइंग, उसने उस तरह से करना है एक्ट, ठीक है। तो इसलिए इसको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम जो है इमिटेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। तो अब उसको ये करवाना मेरे लिए प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के बाद फेड करना इज़ वेरी इजी। बच्चे मैंने आपको नाम जिनको आपने लिया है सबका आप देख लें, उसके लिए जो है हेयरिंग इम्पेयर्ड देख लें, टाउन सिंड्रोम देख लें, जो से भी बच्चे देख आप बात करें उन सब के लिए यही। अब हेयरिंग इम्पेयरमेंट में अगर ये प्रोग्राम रन होगा तो उसका पर्पज उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, मैंने आपको ये बताया था, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा मेरा फोकस होगा। ASD पे का अगर ये प्रोग्राम है तो उसके साथ मेरा फोकस किस तरफ होगा, अटेंशन की तरफ, प्रोसेसिंग की तरफ, उसकी हाइपर एक्टिविटी की तरफ, उसकी रेपिटेटिवनेस की तरफ फोकस्ड होगा काम मेरा सारा, ये रन जो मैं करूँगा डेली बेसिस पे। डाउन सिंड्रोम में होगा तो उसकी मूड स्विंग्स को मेरे ध्यान में रखना होगा, उसकी मोटर स्किल्स को ध्यान में रखना होगा। वो सारे गोल्स के अंदर जो मेन एरियाज हमने बात की थी, डिस्कस किए थे कि भाई ये एरियाज इस डिसऑर्डर के होते हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। तो डिसऑर्डर जब आपको पता लग गया शुरू में ही बच्चे का, अब आपका काम करने का अंदाज जो होगा, रोज़ आप उसको एक ही सीक्वेंस में अगर एक ASD बच्चे को कराएंगे तो वो रेपिटेटिव बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमने रेपिटेटिव बिहेवियर को वीकन करना होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का उससे रिलेशन है उसके डिसऑर्डर। नेक्स्ट प्रोग्राम इसकी फाइल का जो है वो है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में आगे लिखा हुआ है रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन वाले दो चीज़ें लिखी हुई है ना कॉलम में, वो एक रिसेप्टिव से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, वो कहता है टच नोज, बच्चे को मैं कहूँगा टच नोज, अब वो टच करेगा तो बोलना तो नहीं इसमें शामिल, तो ये रिसेप्टिव लैंग्वेज में काम हो रहा है। नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिव, मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस, ये क्या है, अब उसने बोल के बताना है नोज नाक समथिंग, तो ये रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव बोथ वे में चल रहा होता है। कुछ बच्चों का रिसेप्टिव अच्छा होता है, एक्सप्रेसिव वीक होता है, हम यहाँ पे कमेंट दे देते हैं अकॉर्डिंगली उस यहाँ पे कि ये रिसेप्टिवली कर रहा है, एक्सप्रेसिवली अभी नहीं कर रहा है, या पार्शियल कर रहा है, या ओकेजनल कर रहा है, जो भी उसका रिस्पॉन्स का पैटर्न होता है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर उसके नीचे ये जो मैंने बताया था कि प्रोसेस का अंदाज से असेसमेंट होती है, कोऑर्डिनेटर नीचे डेट्स के साथ लिखती रहती है कि कब चेक किया, क्या प्रॉब्लम था, कैसा था, लाइक दैट। नेक्स्ट प्रोग्राम इसका है पॉइंट टू पिक्चर इन अ बुक, किसी बुक के अंदर पिक्चर को पॉइंट करना, ठीक है। अब इसमें लेवल के मुताबिक मुझे बुक यूज़ करनी होगी,
एक लोअर लेवल पे बच्चा है जिसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग माइल्ड है, लेवल ऑफ फंक्शनिंग माइल्ड है, सिवियरिटी ज़्यादा होगी मॉडरेट टू सिवियर की तरफ चला गया, तो उसके लिए मुझे ऐसी बुक लेनी होगी जिसमें कि पिक्चर्स कम हो, अटेंशन का प्रॉब्लम आएगा, उसको डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो उसके लिए ऐसी बुक मैं यूज़ करूँगा जिसमें ऑब्जेक्ट कम हो। एक बच्चे का लेवल बेहतर है, उसको चार ऑब्जेक्ट्स वाली बुक में भी मैं पॉइंटिंग करवाऊंगा तो वो शायद कर लेगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे इसमें उस अंदाज से होगा। इंस्ट्रक्शन इसमें क्या होगी, पॉइंट टू एप्पल, एप्पल की पिक्चर वहाँ पे नज़र आ रही थी, अब ये बुक में करा लें, ये वैसे फ्लैश कार्ड पर करा लें, ऑब्जेक्ट को करवा लें, बेसिक एम इसका क्या है कि वो अटेंशन फोकस इतनी हो कि वो आइडेंटिफाई करके पॉइंटिंग कर सके, दिस इज द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट्स रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में उसकी पहचान और उसका लेबल करना, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। अब इसमें ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट, यहाँ पे आप 14 कॉलम बने हुए, आप रोज बनी हुई आप लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए जो उसके इंटरेस्ट का हो, जो उसकी इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो, वो वाला ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। प्रोसीजर वही है उसका, आप रिसेप्टिव के लिए कहेंगे पॉइंट कार, अब वो कार को पॉइंट करेगा तो रिसेप्टिवली वो ओके हो जाएगा। अगर आप कार दिखा के पूछ लेंगे व्हाट इज दिस और वो बताए बोल के कार, तो वो उसमें उस आ जाएगा एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में। डेट अकॉर्डिंगली यहाँ पे पढ़ती रहेगी, सात पढ़ती रहेगी। एक पेज लास्ट वाला ये होता है कि जो प्रोग्राम जिनका हमारे पास इस तरह से अलग फॉर्मेट पेज पे नहीं है, वो तो प्रोग्राम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें क्या है, रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन हैंड्स डाउन, हाथ नीचे करो, इस पे उसने कर रहे हैं। अब पहले से पहले हाथ ऊपर तो करवाएंगे तब हाथ नीचे आएंगे ना, तो ये इंस्ट्रक्शन है, कमांड है, उस पर फॉलो करना है उसने। साउंड्स की इमिटेशन है कि जो साउंड मैं निकाल रहा हूँ वही साउंड वो निकालें। रेसिप्रोकेट ग्रीटिंग सलाम का जवाब दे, चाहे वो शेक इसमें है ऐसे बोल के जिस लेवल पर बचा है उस हिसाब से हो। ड्रिंक फ्रॉम अ कप, कप से पकड़ के पिए, मोटर स्किल्स इसमें आ जाती हैं। नैपकिन या टिश्यू यूज़ करें, शूज रिमूव करें, तो इस तरह के प्रोग्राम कुछ चेकलिस्ट में से जो होते हैं जिनका कि हमारे पास इस तरह से फॉर्मेट नहीं होता, वो हम ये लास्ट पेज के ऊपर यहाँ पे ले आते हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि हम उसको रैफा को लाएँ, और रैफा को आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अब मैंने ये प्रोग्राम पढ़ लिया, अब मैंने उसको कराना क्या है, ये मुझे इसके बगैर कराना है। मैंने उसको इमिटेशन करानी है ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स की, मैंने उसको पॉइंटिंग करानी है ऑब्जेक्ट्स की, मैंने उसको बॉडी पार्ट्स करवाने हैं, तीन काम हो गए, और मैंने क्या कराना था, कौन सा प्रोग्राम था जिसमें बोला मैंने, कौन सी चीज़ पे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को रिसेप्टिवली एक्सप्रेसिवली करना, ऑब्जेक्ट्स को भी बॉडी पार्ट्स को भी, इन दोनों में यही काम है, रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव वाला है। पॉइंटिंग का उसमें है क्या कहते हैं इसको, ये जो है बुक में पिक्चर को किसी को पॉइंट कराना, बाकी कमांड फॉलोइंग में था, हाथ ऊपर करना, नीचे करना, इस तरह के काम, छोटे छोटे काम। तो अब ये पांच छह काम मेरे जहन में बैठ गए, अब मैंने ये करवाने हैं। मैंने एक दफ़ा ही पढ़े हैं आपके सामने जो आपको बताया, या एक दफ़ा उसको देखा था। अब जब मैं उसको लेके आऊँगा तो मैं उसकी तरफ में उसको मैंने कहा था कि हम ये उसको दिखाएंगे जी कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, हम उसको खेलेंगे, बच्चे की एज ऐसी है ना, खेलेंगे उसके साथ, और खेल खेल में ये काम मैं उसको करवाऊंगा। लेकिन इस सारी चीज़ के इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो उसका बिहेवियर, काम होना, कोऑपरेटिव होना, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके ऑड बिहेवियर्स को ना पढ़ने देना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो आज मेरा डे वन होगा उसके साथ, मेरा ख्याल मैंने उसके साथ इस तरह से रेगुलर कभी काम नहीं किया है, जानता देखता है मुझे वो, लेकिन मेरा डे वन ही होगा। बट आई ट्राई कि मैं काम इस तरह के आपसे जो इन सेशन उसको कुछ ना कुछ करवा के डिमॉन्स्ट्रेट कर दूँ इंशाल्लाह। तो समबडी टू प्लीज हेल्प टू ब्रिंग हिम, इसको ऑफ कर दो। साउंड इमिटेशन में मैं यहीं से इसको डेवलप कर सकता हूँ, उसको कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्रोसेस नहीं आता, वो उसको चलाने की वैसे कोशिश कर रहे हैं।
पिप 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 पिप। और ये कैसे है? आवाज से थोड़ी सी देर में पेयरिंग में पहले करूँगा अपनी उसके साथ आके। चलो चलाओ जी इसको, डुक 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 डुक। चलो जी कैसे चलता है ऐसे, डुक 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 डुक। अरे डुक डुक। चलो जी इसको खड़ा करें तो ये मेरा, ये आपका और ये मेरा, ये देखो डुक 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 डुक। करें ऐसे, करें ऐसे, करें डुक डुक डुक। इसको करें, इसको 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 करें डुक 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 ऐसे। ओके गुड बॉय। अब इसको ऐसे करना, ये देखे ए लोके ऐसे 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 ऐसे। ये लो ये ले, ये देखे लोके अनन ए डुक डुक ऐसे ऐसे ऐसे। ये ले करे करे करे। वेरी गुड, नाइस डूइंग, शाबाश, गुड बॉय। अभी ऐसे करे ऐसे, ये ले। एक अटेंशन प्रॉब्लम है, देखना नहीं चाहता है, तवज्जो नहीं देना चाहता। ये सारी चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में भी आ रही है और मुझे उसको करना है, क्योंकि उसको बाकी सारे पॉइंटिंग ये वो कराने के पहले उसको उस पर हमें काम करना होगा, अटेंशन उसकी इस्टेब्लिश करनी होगी, तब हम उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब मेरी तरफ देख रहा, आई कॉन्टेक्ट दे रहा, ऐसे करें ऐसे 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 करें ऐसे ऐसे चले ऐसे 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 ज़ूम। चलो ये ऐसे 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 ऐसे। मैं क्लैपिंग नहीं कहूँगा, इमिटेशन है ना ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स की, तो मैं क्लैपिंग नहीं कहूँगा, उसको अपनी तरफ मतवज्जो करूँगा। जब वो मेरी तरफ देखेगा देन आई विल डेमोंस्ट्रेट हाउ टू डू। अब उसको कॉपी करना चाहिए, देन इट वुड बी इमिटेशन। और ग्रेजुअली उसको ये जो मैं अभी प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, उस प्रॉम्प्ट को फेड होना जरूरी है ओवर द पीरियड। ऐसे ही चलो ये ए ऐसे ऐसे करें ऐसे ऐसे, नाइस डूइंग, ओके ए ऐसे करें ऐसे 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 करें ऐसे लुक ऐसे 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 गुड बॉय। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ इमिटेशन, जहां से कि मैंने उसको इमिटेशन में लेके जाना है। प्रॉम्प्टिंग जो है ये फेड होनी है, दो दिन में हो, चार में हो, अर्लीस्ट पॉसिबल हो जिसमें करना। ओके चीप चीप बे ओ चीप चीप बे 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 ऐसे करो ऐसे आई करो 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 ऐसे आई ऐसे 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 ऐस
चलो जी आप भी करो, आप भी करो। आई आई इसको रोकना होगा, फिर ये इसको ना तो ग्रेजुअली मुझे बिल्कुल फर्स्ट सिटिंग है ना, बट ग्रेजुअली मुझे उस पर लाना है। ये मेरा टारगेट होना चाहिए कि इसकी ये रबर स्टेमिंग जो बोली जा रहा है इसको मुझे रोकना है, देन यू विल बी मोर अटेंटिव। इसके बगैर वो टेंशन नहीं दे सकता। तो इसका ये प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने साथ का ये पेस बनाना है कि वंस यू आर विद मी यू डोंट हैव टू अल्ट्रासाउंड। और ये ले जी शीप, ये ले तो ए एज एज, ये ले ये लो जी आई। उसको भी इसने इमिटेशन में, इमिटेशन वाला ही काम था वो। अब इसका ये देखेंगे, इसमें हर एक कोई जो ऐसे ही चला रहा है, मुझे उसको चेंज कर रहा है, पेंटिंग करने दे रहा है। आई सो ही हैज इमिटेटेड दैट वन प्ले में आ गया वो, खुद उसने उसको उंगली आगे करके आई काटी करवा रहा है। Apple.
ओके ये लो मेरा बेटा ये लो। ऐसे करो। अब जब मैंने इमिटेशन का कराना है तो मेरे पास दो हैमर होने चाहिए। आहा नाइस डूइंग माय टर्न। ये लो आपकी बात आपकी बात। लाओ मुझे तो मेरी बात मेरी बात मेरी बात मेरी बात। ये अटेंशन बाढ़ ये अटेंशन पे काम करो। वेट इसको ग्रेजुअली डिसेंसिटाइज करना मतलब पहले फीडबैक में दे दिया था कि ये इस साउंड से चीजों से करता है। चिड़िया 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 चिया 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 के पास आज दम जितना मेरी पेरेंट्स के साथ अच्छी रहेगी तो ये आओ चिया आओ 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 ये आओ और इसकी आईज 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 वेट आईज 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 पॉइंट पॉइंट आईज पॉइंट आईज ये क्या आई ओके पॉइंट आई पॉइंट अभी पॉइंटर खुद बनाता है यहां से मैं होल्ड देता हूँ पॉइंटिंग पे वो एक्सटेंड खुद करता है मेरे हिसाब से गुड ओके पॉइंट आई आई इधर से ओके ये आई आई पॉइंट पॉइंट आई नाइस पॉइंटिंग अच्छा ये सुनने को मैं इसको साथ इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसको रिलेशन एक बिल्ड हो रहा है रेपिटेटिव है ना तो वो मुझे एक्सप्रेसिव में भी हेल्प देगा इसलिए मैं दे रहा हूँ अदरवाइज अगर मैं पॉइंटिंग का टास्क प्योरली देखता हूँ तो उसको मुझे बोलना नहीं चाहिए उसको सिर्फ पॉइंटिंग करानी चाहिए बट इसको मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ फॉर द रीज़न कि ये रेपिटेटिव है ये उसके साथ आई को पॉइंट करके जब साथ सुनने को भी मिल रहा है तो लेटर ऑन मेरे मुझे एक्सप्रेसिव में भी उसका रिस्पॉन्स में हेल्प मिलेगी मोटर स्किल्स वीक है लेट मी ट्राई द पजल अगर ये उसमें रिस्पॉन्स करता है सर्कल सर्कल लगाएं लगाएं इधर मेरे टेंशन लगाएं इधर लगाएं सर्कल सर्कल लगाएं लगाएं ओप डाउन ओ ओ ये मुझे
हमें फेंका था ना, तू ये नहीं फेंक दिया, वो तो फेंक दिया था। ये सब क्या है, एस्केप बिहेवियर्स है, ठीक है। स्पैन उसका नहीं, उसको उसको पेयरिंग मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है जिसमें कि वो उसको किसी को समझ ना आई या कुछ और किसी के दिन में कुछ ये कराया गया नॉट नेसेसरी आज मैंने काम प्रेजेंस समझ लिए अब मैंने इनविटेशन भी करा दी मैंने उसको लेबलिंग वाली साइड पे भी उसको इनपुट दी वो भी बोला नहीं उस तरह से सिर्फ पीपीपी एक दफा से स्टार्ट में बोला था मेरे इनविटेशन साथ में और उसमें वो चीज़ों को भी उसमें कर रहा है ऑब्जेक्ट्स को या उसको बुक को पॉइंटिंग जो उसकी है कमांड फॉर्मिंग पे भी उसको करा दिया इमिटेशन में भी उसने क्लैपिंग और ये आई वाला कर दिया तो
देखिए प्रोग्राम आपका क्या है, दो प्रोग्राम उसमें डिफरेंट, एक है इमिटेशन ऑफ ग्रॉस मोटर मूवमेंट्स, उसमें इंस्ट्रक्शन में है डू दिस, क्योंकि इमिटेशन स्किल पे आप डेवलप कर रहे हैं ना, वो अलग चीज़ है, उस वक्त मैं उसको कहूँगा डू दिस। लेकिन अगर मैं प्रोग्राम एक और चल रहा है जिसमें आ रहा है क्लैप योर हैंड्स इंस्ट्रक्शन पे, अपने एक्शन करना है, उसमें मेरी इंस्ट्रक्शन होगी क्लैप योर हैंड्स। दोनों में फर्क है, फिर वो इमिटेशन ही डेवलप होगी। इमिटेशन इज अ टूल जिससे मैंने उसको बहुत कुछ सिखाना है, मैं उसको कहता हूँ ऐसे करो, अब मैंने एक लाइन लगाई है, लेटर ऑन उसने उसको देख के ऐसे करना है, मुझे डेवलप यहाँ करनी है इमिटेशन। उसने देखना है जग से ऐसे कोई ऐसे कर रहा है, उसने उसको इमिटेट करना है जग से पानी डालने के लिए लेटर ऑन लाइफ में डेवलपमेंट में। तो इमिटेशन इज अ स्किल जो नेचुरली अल्लाह ताला ने दी होती है सब बच्चे को, अर्ली एज के अंदर ही वो देखता है सारे पेन से पकड़ के ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, वो भी पेन को पकड़ता है ऐसे, वो ऐसे नहीं पकड़ता, वो ऐसे ऐसे करके लकीर मारना शुरू कर देता है। Nobody tells the child कि जी sit on the chair, he sees all everybody get into there and sit there, वो भी उस पर बैठने लग जाता है, वो उस पर खड़ा नहीं होता, वो उस पर लेटता नहीं है, बैठता है। तो दिस इज ऑल इमिटेशन नेचुरल वे में जो होती है। इन बच्चों की जब वो अटेंशन नहीं होती तो इमिटेशन भी डेवलप नहीं हुई होती। अब वो हमें एज अ स्किल उनको सिखानी होती है, बिकॉज दैट इज अ टूल विच आई हैव टू यूज लेटर ऑन। तो जो आपका सवाल था कि वो मैं इसको इंस्ट्रक्शन क्या मेरी होगी, वो मेरे प्रोग्राम के मुताबिक होगी। बॉय बॉय को पॉइंट करें, बॉय बॉय। और ये क्या है, ये वी वी तारों में ऑब्सेस्ड है व्हीकल में, अभी भी वही निकाल रहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए साथ साथ, आवाज़ें भी वही एंडा नहीं निकाली जा रहा है, वो मैं इसको कम दिखाऊंगा यहाँ पे, शायद उसको यूज़ करके किसी और तरफ लेके जाऊँ, पैटर्न को चेंज करूँ, लेकिन रेपिटेशन को ब्रेक करने के लिए मुझे उसको उसे निकालना होगा, दूसरी चीज़ों में भी ऑब्जेक्ट निकालना होगा। अब फिर जीप की पिक्चर उठा के देख रहा था, जिस जीप ये एग 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 अंडा पसंद नहीं है इसको, मुझे लगता है ऐसी है, मदर क्या कहती है नहीं पसंद। दिस व्हाट आई ऑब्जर्व, एग को देख के गुस्सा करता है, दो दफा तीन दफा मैंने दिखा दिया, तो मुझे कुछ उसमें से कंक्लूड करना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, इसको नहीं कर रहा, आई ऑलवेज थिंक फॉर दैट, क्यों इसको करता है जब ऐसे इसको देख के कहता है एन एन ये लो एग एग ले लो ना यार एग एग ये पॉइंट 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 रो रहा है साथ one two three four five। अब escape behavior पे अगर मैं इसको छोड़ देता 5 के बगैर तो बड़ा काम खराब हो जाता, मेरा इसका bond ही नहीं बनता था काम करने वाला, मैं उसको hit नहीं करने दूंगा, हाथ पकड़ लिए मैंने, but I'll not leave the task incomplete, incomplete। अच्छा यार
प्यार प्यार तो प्यार प्यार तो प्यार 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 ऐसी 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 प्यार 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 हाँ जी प्यार प्यार जो ऐसे ऐसे प्यार होते हैं चलो प्यार ऐसी प्यार चलो प्यार इसको और चिड़िया कहाँ है चिड़िया को बुलाओ आओ चिड़िया आओ ये लो चिड़िया आ गई आ गई चिड़िया ये लो चिया आ जाओ चिया ले लो अटेंशन दे रहा है देख रहा है ऑब्जेक्ट को दिस व्हाट इज माय गोल अटेंशन उसको करना ना उसको इन्वॉल्व करना इसकी आई पॉइंट ऐसे आई व्हाट इज दिस आई चाबी दे देखा है मुझे देते हुए ये पहले ही आती है देवान ने मेरा मुझे ये पता लगा कि इसको कॉन्सेप्ट है इसका कि इसको कुछ छेड़खानी करने से इसने कुछ करना है कॉज एंड इफेक्ट प्री लर्निंग स्किल्स फिनिश चलो चलाओ चलाओ इसको चलाओ चाबी दो ओ देखते हैं हाथ लगने से कुछ टिक टिक दो दफा कर देता है कॉज एंड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट उसका बिल्ड हो रहा है यहाँ पे ऐसे करने से कुछ हो रहा है अब उसको ट्राई कर रहा है बच्चा क्या करता है खेल खेल में ट्रायल एंड एरर से सीखता है गलती करता है फिर अब एक वक्त तक ये करता रहेगा ऐसे एक वक्त आएगा वो उसके टच पे जब नहीं होगा अब उसको समझ आएगी कि यार ये कुछ और करने से होता है ये वक्ती तौर पर है मैंने ये देख लिया कि ये किस किस बात में खुश होता है अब मुझे बिहेवियर मैनेज करना इसका आसान हो गया ये लो हेलो करो नहीं आया लाओ मुझे तो मुझे ना हेलो पापा पापा का फोन हेलो करो सिंबॉलिक प्ले हेलो पापा हाउ आर यू हेलो लाओ मुझे दे मैं करूँ हेलो इधर दे मैं करूँ हेलो लाओ इधर इधर दो ए हेलो देख रहा है मेरी तरफ जो दे रहा है मेरा हेलो ओहो चलो फोन करो टिक फोन करो फोन करो टिक हेलो चलो करो फोन करो टिक करो फोन करो अभी हेलो भी करो हेलो दिस व्हाट इट इज रिक्वायर्ड अब कोई कहे कि ये पाँच दिन बाद ये सब कुछ ऐसे हो जाए तो नहीं ना आई हैव टू बी कंसिस्टेंट अब एबीए का प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा उसमें जो अचीव हेलो अटर भी कुछ किया कान से लगा के किया एग्जैक्ट हेलो नहीं बोला लोग और ओके पॉइंट योर नोज लिसन पॉइंट योर नोज नोज का है पॉइंट नोज पॉइंट योर नोज नोज को करो नोज पॉइंट योर नोज नोज चिड़िया क्या है ये एक मिनट देख देता हूँ चिया ये लो एक ये लो चिया टॉलरेंस नहीं है वेटिंग नहीं है सब मुझे काम करना है उसके बगैर मैं इसको एबीए की फाइल नहीं कराऊंगा ना नहीं करा सकता हूँ वो प्राइमरीली इम्पोर्टेंट है फॉर लर्निंग वो बेसिक चीज़ें वही रहेंगी उसको जितना हम उसको बेहतर कर देंगे उतना आगे लर्निंग प्रोसेस सही रहेगा ओ आहा टिश्यू हो जाएगी मुझे लग रहा है इधर नहीं काटी करो मुझे काटी करो मुंह बंद करवाना था मैंने बेसिकली रूलिंग हो रही है ना तो मुझे वो ड्रिल्स भी उसके साथ रखनी है कि वो ऐसे ऐसे क्लोज रखे अपना मुंह
गई। ये लाए जी, लाए जी, हमें चिड़िया दे दे। चिड़िया आओ, चिड़िया आओ, ये लो जी चिड़िया करने दे। ऐसे 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 जो मैं बाहर के सेशंस देखता हूँ, कोई पेरेंट्स जो शेयर करते हैं मुझे एबीए, वो क्या हो रहा होता है, वो एक रोबोट के अंदाज में गिव मी दिस नाइस गिविंग थैंक यू, गिव मी दिस नाइस गिविंग, इधर से बंटी मुंह में, चॉकलेट मुंह में, कुकी मुंह में, दैट्स अननेचुरल वे ऑफ एबीए। मैं उसको ऐसे देखता हूँ, समबडी माइट लाइक दैट, मुझे वो नहीं पसंद। मैं कहता हूँ नेचुरल वे में आए बच्चा, जो उसके साथ एनवायरमेंट में देखना है उस तरह से उसके साथ मुझे इंटरेक्ट करना है। This what I want. वो कैसे होता है, उसके लेवल पे जाके होता है, ना कि उसको उस तरह से इंस्ट्रक्शन दे। अब इसको क्या रीइंफोर्समेंट मैंने दी कुकी की, मेरा डे वन था इसके साथ, आई डोंट वांट द चाइल्ड टू बी ऑन दैट रीइंफोर्समेंट। चलिए मेरे को वो टॉफियाँ चॉकलेटें दो दो, मुझे रिस्पॉन्स दे, वरना वो रिस्पॉन्स मैंने वैसे ही ले लिया उससे, अल्हम्दुलिल्लाह उसने दी है। बीच में बिहेवियर्स चाहिए, वो मुझे रिड्यूस हो गया। हमने कंजेक्टिव सेशन देखे हैं, डे वन के तो जो बिहेवियर्स थे वो डे फाइव नहीं थे। दिस व्हाट इट इज। तो इसको अब ये लेवल में आपको लोअर दिखाया बिल्कुल, जिसमें कि ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, जो इससे बेहतर है उनका काम ज़्यादा नस्बता आसान हो जाता है। फाइन, एनीथिंग, हर काम में रिपीटिशन बहुत थी इसकी। इसकी इसकी रिपीटिशन हर काम में, रिपीटिव, वी नो द फीचर्स, रिपीटिव के अगेंस्ट काम करेंगे। कल मैं इसको इसी सीक्वेंस में शायद ना कराऊँ काम, कल मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊँ उसको। अभी हैनन इसका काम हो गया था शुरू में और आखिर में, ऑब्जर्व किया करें, हैनन आते साथ ज़्यादा था, बाद में उसकी आवाज़ें चेंज हो गई थी। तो वो क्यों दिखाती है सर, मैंने तो दूर करनी शुरू कर दी थी इसी में। अब वो जो उसका सेंटेंस था ना कि हैनन नहीं है, आपके पास एनवायरनमेंट पे ज्यादा टाइम इसने गुजारा है ना, पोइम्स मत सुनाए, वो रेपिटेशन है। एजुकेट देम, ये पहले जब आया था हैप्पी बर्थडे कर रहा था, याद है उस दिन क्लास में जो आया था, तो इसको इसको रेपिटेशन से हटाएं, रैंडमाइजेशन पे लाएं, तो दिमाग उसका चले, कब चलता है माशाल्लाह। यूसी मैंने उसको जो काम कराए हैं उसने दिमाग से किए ना, मैंने मुझे देखा, मैंने उसको आई कर रहा था, उसने वो भी आई करना शुरू कर दिया, मैं काटी करना चाह रहा हूँ, उन्हीं खेच रहे पीछे और साथ हंस भी रहा है, मुझे काटी नहीं करनी है, मेयर करता हूँ तो मुझे काटी करता है, ये फंक्शनल ओवर हियर, इट डजंट हैव एनी इशू। बट वो कहाँ फंसा हुआ है, रेपिटेशन में फंसा हुआ है, लैक ऑफ अटेंशन में फंसा हुआ है, ऑब्सेशंस में फंसा हुआ है। This what I have to break. अब वो ब्रेक करूंगा तो क्या समझ नहीं है इसको, हुज़ैफ़ा को, he understands very well, माशाल्लाह, क्यों इसको पॉइंटिंग नहीं कर सकता, क्यों ये इसको नहीं बोल सकता, he can enter. अब ये कंसिस्टेंटली होना जरूरी है, एक दिन में नहीं होता। इस लेवल के बच्चे के साथ मैं अगर अपने जाती तौर पे देखता हूँ तो मेरा ख्याल विद इन कपल ऑफ मंथ्स इसको वर्बल होना चाहिए, बोल रहा है, ऑलरेडी वर्बल है, इसको ऑब्जेक्ट्स को उस अंदाज से वर्बल होना चाहिए विद पेरेंटल सपोर्ट नेचुरली। पेरेंट्स का भी साथ काम करना पड़ा तुम्हें, आपको एजिया के यू नो द थिंग्स, आपको उस तरह से करना है। अब आपकी सिस्टर को नहीं, आपके भाई को नहीं पता, वो इसको ये करते हैं, प्लीज एजुकेट करो। डोंट एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट इट एंड प्लेस देम अवे समवेयर। अभी छोटा है ना, देखिए अभी हम इसको चेंज कर सकते हैं ना, कितनी एज इसकी, आज हैप्पी बर्थडे माशाल्लाह, मुझे बताना था पहले आपके, मैं सर, मैं सर, मैंने इसलिए सुबह इसको
अच्छा खैर वो आप ज्यादा हैप्पी बर्थडे भी करते शायद तो ना ही करता फाइन अच्छा पॉइंट इज दिस कि देखिए आज इसको जो चीजें चेंज करनी है इतनी एफर्ट दरकार है ना अगले साल वो इतनी होगी उससे अगले साल इतनी होगी ये पक्की बात है इसमें कोई डाउट नहीं है रेपिटेटिव है इसलिए इसको अभी से फोकस करें इसको उनको बताएं कि जी ये मजबूरी है प्लीज हेल्प मी क्योंकि इसको खुश करना है लेकिन मैंने भी सारी जिंदगी खुश रहना है इसकी खुशियों के साथ अगर ये सिर्फ कार ही करता रहेगा या रेपिटेटिवनेस में जाएगा तो हाउ आई विल बी हैप्पी डोंट यू लव मी आस्क देम दिस क्वेश्चन कि क्या तुम ये नहीं चाहते कि मैं अपने बच्चे की औलाद की खुशियाँ देखूँ अच्छे अंदाज में सो आई हैव टू ब्रेक द बिहेवियर्स उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा उनको देखिए काउंसिल करना होगा आप ये मेरी वीडियो जो वीडियो बन रही है आई शेयर इट टू यू एज वेल ये फॉरवर्ड करें उनको व्हाट्सएप पे उनको उनको सुन उनको ये आपकी जुबान से सुनना और है बट इफ दे लव द चाइल्ड इफ दे हैव सिंपैथी एंड एम्पैथी विद यू देन दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड नॉट रादर दे शुड हेल्प यू आपसे पूछेंगे जी इसको क्या प्रॉब्लम है इसको मैं कैसे करूँ तुम मुझे बताओ तुम मदर हो तुम यू हैव अटेंडेड सम कोर्स यू नो अबाउट इट सो यू टेल मी हाउ टू हेल्प इट अब आप उनको बताएं ये ऐसे 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 करें अब वो आपसे क्यों नहीं प्यार करते हैं आपका ब्लड रिलेशन उधर हाउ दे विल नॉट डू इट दे विल डू इट बट कीप एन आई बच्चे से ज़्यादा प्यार ना कर ले कहीं आपसे ज़्यादा बढ़ गए कि आपको कुछ नहीं हो तो उसको फिर काट दे दे डोंट अलाउ देम तो कह मैं बच्चे मेरे बच्चे तो सिर्फ दूर है मुझे साल को तो आप उनको कौन समझाइए कि कितने पढ़े हुए हैं कोई पढ़े हुए तो फिर मसला आसान होना चाहिए सुलह को माशाल्लाह गॉड है थोड़ा करें ध्यान करना एडिट पूरी हो रही है मैंने पूरी करी एडिट अच्छा पॉइंट इज दिस देखिए हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है उसके सलूशन के लिए हमें क्या मजे दें नाउ यू मस्ट कंसल्ट दैट आप उनको यहाँ लाए मेरे पास लाए मैं उनको बताऊंगा साल डेढ़ दो साल है दो साल तीन साल इसके साथ मैक्सिमम पीरियड में समझता हूँ अच्छा लग जाए ना तो ये इन चीज़ों में बेहतर हो जाएगा अच्छा फिर वो उसको कारें दें या जो मर्जी दें फिर वो और तरह का पैटर्न बन जाए रेपिटेटिव ब्रेक हो जाती है रेपिटेटिव बिहेवियर ब्रेक हो जाते हैं फिर बच्चा इस समझ पे आ जाता है कि कुछ को रिपीट करना है कुछ को नहीं करना है और कुछ को कब रिपीट करना है जब बर्थडे होगी तब हैप्पी बर्थडे करना है ये अंडरस्टैंडिंग उसको मिलनी ज़रूरी है देन डील सी कि बर्थडे को विश कर रहे हैं कुछ बर्थडे की बात हो रही है कोई केक आया है तो देन आई हैव टू ऑर्डर हैप्पी बर्थडे ना कि हर वक्त हैप्पी बर्थडे करता हूँ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने दें पहले उसको फिर उसको हैप्पी बर्थडे करें जब भी हो फिर जब उसको हैप्पी बर्थडे दरवाजा खोल के मामू करेंगे तो यू विल से किसकी यू विल हैव द कॉन्सेप्ट नाउ एट दिस स्टेज ही डजंट हैव अब वो सुनता है वो कहता है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे किसी की आई नहीं तो मेरे घर भेज दिया पॉइंट इज दिस कि आपको समझ अगर आ गई है ना तो यू विल इंश्योर इंशाल्लाह और ये जरूरी इसलिए क्योंकि इसकी डेवलपिंग एज है ना अभी इसके पैटर्न इतने स्ट्रांग नहीं हुए इसलिए इसलिए इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच